नमस्कार, विराट 24 न्यूज से इस वक्त मैं हूं आपके साथ अजिता। बात करते हैं सतना जिले की। गमी में शामिल होने रीवा से सतना गया परिवार सड़क हादसे का शिकार हो गया। घटना रेवा मोड़ के पास हुई है, जहां बोलेरो और डंपर की भीषण भिड़ंत में 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतकों में 3 महिला, 3 पुरुष और 1 बच्चा शामिल है। बताया जाता है कि रीवा से नागौर थाना क्षेत्र में गमी में शामिल होकर बोलेरो सवार परिवार रेवा मोड़ के पास पहुंचा, जहां सीधी टक्कर हो गई। पीड़ित विश्वकर्मा परिवार के लोग बताए जाते हैं। मौके पर पहुंची पुलिस मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचाया और गंभीर रूप से घायल 5 लोगों को रीवा रेफर किया गया है। पीड़ित परिवार जावा थाना क्षेत्र के अनवा का बताया जाता है। कहाँ गए थे? सिंगमा और जबा से अंधवा तक में रहने वाले हम लोग हैं। पन्ना के लिए गए थे, एक अनहोनी के कारण वहाँ जाना पड़ा है। मिट्टी पे गए थे किसी की मौत पे, तो वहाँ से रिटर्न आ रहे थे, तो जिसके अनहोनी के कारण रात में सतना से बीच में नागोदे के बीच में ट्रक से बोलेरो का एक्सीडेंट हो गया, जिसके कारण 7 जन की मौत हो गई और 5 जन अस्पताल में भर्ती हैं। जिस संजय गांधी हॉस्पिटल में रीवा में। उससे पहले कहाँ ले गए? उसके पहले सतना में ले गए थे, सतना से वापस रिफ़र कर दिया गया, तो जिसके कारण हमने रातों रात में संजय गांधी हॉस्पिटल में लाया गया, जिसमें से एक शिवशंकर नाम का लड़का है, जिसकी तबीयत बहुत ज़्यादा सीरियस है, ICU में भर्ती है, और बाकी जो है नॉर्मली है। ये कब की घटना है? ये कल 12 बजे रात की घटना है। कहाँ पर हुई है? ये नागोदे में, सतना से रिटर्न आते समय। हाँ, आज हमारे पास सुबह कुछ मरीज़ रेफ़र हुए हैं सतना जिला अस्पताल से और नागौद से। एक्चुअली इनका ये एक्सीडेंट ये रीवा के ही जवा के और अमदवा के विश्वकर्मा परिवार के लोग थे, और इनका एक्सीडेंट पन्ना से लौटते समय नागौद जिला सतना के पास हुआ है बोलेरो ट्रक में। तो उनमें से 5 लोग हमारे यहाँ लाए गए हैं और एक व्यक्ति को ज़्यादा चोटें गंभीर मालूम होता है, तो उसको ICU में एडमिट किया है। बाकी 4 भी एडमिट कर दिए गए हैं, क्योंकि परिजनों से बातचीत करने पर यह पता लगा कि उनके यहाँ 6-7 मृत्यु वहीं हो गई हैं स्पॉट पे। तो बड़ा एक्सीडेंट है, लेकिन हम सबका उपचार कर रहे हैं। इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए विराट 24 न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।